बच्चों, सो दिस इज प्रशांत। और आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 साइंस का, ठीक है? हाँ भैया, तो इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। बहुत आसान चैप्टर, ठीक है? एग्ज़ाम के अंदर भी इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर कंसेप्ट बेस्ड ही आते हैं, ठीक है? छोटे छोटे क्वेश्चन। भैया बड़ी जल्दी एक वीडियो के अंदर मैं इस पूरे चैप्टर को कवर करूँगा, छूटेगा कुछ नहीं लेकिन तुम लोगों का, ठीक है? नोट्स भी तुम्हें सारे के सारे प्रोवाइडेड होंगे, बैलेंसिंग के भी तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? बस थोड़ी हिम्मत बना के इस वीडियो के साथ जुड़े रहना, जगते रहना देखते समय, सो मच जाना, ठीक है? चलो शुरू करें। हाँ तो ये देखो, ये क्या है? केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है बताएगी? कोई बता सकता है केमिकल रिएक्शन क्या होगा? चलो याद है, 6th से लेकर 9th क्लास तक हम कई बार ये क्वेश्चन करते आते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है? अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखते थे ना, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के। तो भैया बोल दिया जाता था फिजिकल चेंज वो चेंज है जो रिवर्सिबल हो जाए, और केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते थे जो इरिवर्सिबल हो। करे हैं ना ऐसे क्वेश्चन कई बार, ठीक है? तो बस इन्हीं केमिकल चेंजेस के बारे में हमें पढ़ना है। ये जो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं इनके बारे में आज हमें स्टडी करना है। चलो शुरू करें। तो भैया केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? जब दो या दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाए, और फिर ये जो नया सब्सटेंस बने ना, इससे दोबारा ये सब्सटेंस बनाना जो है फिजिकली इम्पॉसिबल हो, ठीक है? ये कैसा हो? इरिवर्सिबल, ठीक है? मतलब दोबारा इससे ये नहीं बनाया जा सकते। समझ आया? इतनी चीज़ क्लियर हुई? चलो अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? मतलब तुमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब पता है ना, तुमने उसके अंदर कुछ केमिकल्स डाले। अब तुम्हें कैसा पता चलेगा कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई रिएक्शन हुई है या नहीं, ठीक है? कैसे पता चलेगा? भैया कुछ चीज़ें देखोगे, आप देख सकते हो क्या उसमें किसी तरह का चेंज ऑफ स्टेट हुआ। मतलब क्या? मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर तो लिक्विड डाले थे, दो लिक्विड मिलाए मैंने उसके अंदर, लेकिन अंदर जाने के बाद वो आपस में रिएक्ट करे और जम के उनसे गैस रिलीज हो गई। क्या रिलीज हो गई? ठीक है, तो चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस। कलर में कोई चेंज आ सकता है कि अंदर जाने के बाद जब दोनों आपस मिले तो उनका कलर चेंज हो गया। टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। अच्छा, टेम्परेचर में चेंज कैसे होगा? अचानक से टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाए। क्या हो जाए? गर्म हो जाए। तो वो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है? एवोल्यूशन ऑफ गैस भी मैंने बता दिया कि उसमें से कोई गैस रिलीज होनी शुरू हो जाए। तो इन चारों चीज़ों को देख के आप बता सकते हो कि हाँ भैया, मेरी कोई केमिकल रिएक्शन तो हो रही है टेस्ट ट्यूब के अंदर। अच्छा चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये वही केमिकल चेंजेस वाले एग्जांपल हैं जो तुम अभी तक पढ़ते आ रहे हो, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मतलब दही का बनना। दूध से दही बनाते हो? दही से दूध बना सकते हो क्या वापस? नहीं। तो एक केमिकल चेंज हुआ, उसके अंदर कोई ना कोई रिएक्शन हुई। उसके बाद कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड की बारी आती है, ठीक है? कि भैया हमने सब्जी वब्जी काटी, उससे खाना बना दिया, बिल्कुल पका दिया खाना। तो क्या उस पके हुए खाने से दोबारा सब्जी निकाल सकते हम? नहीं निकाल सकते। उसके बाद क्या आया? फिर आया डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब हमारे हमने जो खाना लिया उसे खाया हमने, ठीक है? अब वो जो खाना हमने एक बार खा लिया, वो तो खा लिया ना, दोबारा बिल्कुल उसी शेप में हम बाहर थोड़ी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो ये तीनों क्या है? केमिकल चेंजेस। तो एक्चुअली में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है ना, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन तो हो रही, उन्हीं के बारे में हमें आज पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो अभी तक देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन दो चीज़ें देख के चलती है, पहला रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कौन सी चीज़ें हैं? वो चीज़ें जो आपस में रिएक्ट कर रही है, जो आपस में मिल रही हैं। प्रोडक्ट क्या है? जब ये जो रिएक्टेंट्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक नई चीज़ बना देते हैं, और उस नई चीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। समझ आया? मतलब पहले मान लो मेरे पास ए है, बी है, ये दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, तो ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है, ठीक है? इसके बाद इन दोनों ने एक नया प्रोडक्ट बना दिया जो कि सी था, तो ये सी क्या है? मेरा प्रोडक्ट। समझ आया? अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अभी तक हम क्या बोल रहे थे? केमिकल रिएक्शन। अब हम क्या बोल रहे हैं? केमिकल इक्वेशन।
यार केमिकल रिएक्शन को ना लिखने का जो छोटा तरीका होता है उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। एक बड़ी सी केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो सबसे छोटा तरीका है उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। अब छोटा कैसे करेंगे? सिंबल्स का यूज करके। किस चीज़ का यूज करके? सिंबल्स का यूज करके। चलो एक एग्जांपल लेके देखें भैया, समझ आ रहा है ना? देखो इधर एग्जांपल, तुम्हारी बुक का ही एग्जांपल उठाया बिल्कुल, अब पेपर के अंदर आ सकता है ये एग्जांपल, इसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? चलो सुनो अब। अब भैया तुम्हें बोला गया कि रिएक्शन क्या हो रही है, एक मैग्नीशियम रिबन को लिया गया है, उसे एयर के अंदर बर्न कर दिया गया। अब भैया जलाने के लिए किसकी? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना, समझ आता है ना? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो भैया मैंने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, एक बर्नर लगाया, ठीक है, और उसके ऊपर उस रिबन को बर्न करना शुरू कर दिया। किस चीज़ का रिबन है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का साइन Mg होता है, सिंबल होता है उसका Mg। तो देखो मैंने वही चीज़ की, मैग्नीशियम को सिंबल से लिखा। एक तरीका तो ये था कि मैं बड़ी सी लाइन में लिखूं केमिकल रिएक्शन को, दूसरा तरीका इस बड़ी सी लाइन लिखने की जगह मैं उसको सिंबल की मदद ले लूँ। तो मैग्नीशियम रिबन को मैंने Mg से शो किया, ऑक्सीजन के लिए O2 किया। जब ये आपस में रिएक्ट किए तो इन्होंने क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो है, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये क्या है? रिएक्टेंट। और ये जो बना, ये क्या है? प्रोडक्ट। समझ आया? चलो, क्या इसके अलावा कुछ और भी पूछा जाता है पेपर में? हाँ भैया, समटाइम्स आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिएक्शन हो रही है जहाँ पे ये रिबन जब जल रहा है तो वो कैसे जल रहा है? ये एक डैजलिंग वाइट फ्लेम की तरह जल रहा है। कैसी फ्लेम है? डैजलिंग फ्लेम है, ठीक है? उसके बाद जो आपका नीचे पाउडर बन रहा है, मान लो ये मेरी चाइना डिश है, थोड़ी डिश गंदी बन गई, ध्यान से देखना। अब ये रिबन जल रहा है तो इसका पाउडर नीचे गिरेगा, ठीक है? तो नीचे ये पाउडर इकट्ठा होना शुरू होता है, तो इस पाउडर का कलर कैसा होगा? वाइट कलर होगा। कैसा कलर होगा? वाइट कलर। याद रखना, मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन से कलर का पाउडर होता है? वाइट कलर का। पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो समझ आ गया सब लोगों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं? चलो भैया, अगर इतना समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन समझ लेना पहले इतना, ठीक है? दोबारा से एक बार रिवाइंड करके सुन सकते हो, लेकिन समझ में आना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अच्छा बच्चों, अब देखो, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यार ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो आप लोगों की बुक में थर्ड नंबर पर ही दे दिया गया है, मतलब इसके बाद यही पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने इसे इस वीडियो के एंड में डाला है ताकि तुम लोगों को कुछ केमिकल इक्वेशंस दिखे, ठीक है? तुम उन्हें देख लो तो समझ आए कि इसका यूज़ कैसे करना होता है, समझ आया? इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाओ। अगर किसी को सीधा सिर्फ बैलेंसिंग सीखनी है तो वीडियो के एंड पे जाओ, मैंने इसके क्वेश्चंस करा रखे हैं, अच्छे से पूरा मेथड सिखाया है। सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में तुम्हें बैलेंसिंग करनी सिखाई है, जिससे तुम सारी इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है? आगे बढ़े तो भैया ये तो होगा एंड में, उसके अलावा क्या है इस चैप्टर में? उसके अलावा ये है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और फिर इसके अगेंस्ट में कौन सी है? डीकम्पोजिशन। मतलब पेपर में पूछा क्या जाएगा, समटाइम्स पूछा जा सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अगेंस्ट में कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? फिर आती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, और फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो आपस में मिलके किस नाम से जानी जाती है? रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से। फिर दो एक्स्ट्रा टॉपिक भी आते हैं, रेंसिडिटी और कोरिजन। कौन से दो टॉपिक है? रेंसिडिटी, कोरिजन। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के अंदर, इनसे भी बड़े क्वेश्चन आते हैं। चलो एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, ठीक है बेटा? नोट्स कोई अपनी खुद की मेहनत मत करना, जो जैसा इसमें लिखाया है उसी को फॉलो करना, और डायरेक्ट फिर अपने क्वेश्चंस बनाना, ठीक है? सारे क्वेश्चंस तुम्हारे आंसर इसी में मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ो, सबसे पहले शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ बच्चों, इधर देखो, दिख रहा है साफ साफ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू स्मॉल रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज प्रोडक्ट। अब भैया वर्ड देख के पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब कंबाइन कर देना, दो चीज़ों को आपस में जोड़ देना होता है ना। देखो यहाँ पे कुछ वैसे ही किया है, दो छोटे छोटे रिएक्टेंट हैं ए और बी, आपस में जुड़ के इन्होंने क्या बना दिया? ए बी।
एक बड़ा प्रोडक्ट बन गया ना। चलो अब इसका एग्जाम्पल देखा जाए, और पक्का इन्हीं एग्जाम्पल्स में से तुम्हारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। फालतू में नहीं रखे ये एग्जाम्पल, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है पेपर में तुम्हारे। भैया पहले मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, सी ए फॉर कैल्शियम, ओ फॉर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके अंदर मैंने पानी मिलाया तो क्या बन गया मेरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मज़ा नहीं आया, चलो थोड़ा सही से समझते हैं। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइम, मतलब सूखा चूना। क्या बोला जाता है? सूखा चूना। अब सूखे चूने में पानी मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, वो गीला चूना। गीला कर दिया तुमने उस चीनों के, तो जो गीला चूना है ना उसी का नाम होता है स्लैग्ड लाइम। क्या नाम होता है? स्लैग्ड लाइम, ठीक है। अब ये जब स्लैग्ड लाइम है, चलो मैं तुम्हें इसका बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे घर पे कभी डिस्टेंपर की बाल्टियाँ वगैरह आई हैं? पहले उसमें पानी मिलाया जाता है ना, उसके बाद दीवारों पे पेंट किया जाता है, तो पहले वो सूखा होता है, क्विक लाइम होता है। जैसे ही उसमें पानी मिलाया जाता है वो स्लैग्ड लाइम बन जाता है। फिर इस स्लैग्ड लाइम को दीवारों के ऊपर डिस्टेंपर कर दिया जाता है इससे, ठीक है। सी ए ओ एच टू को दीवारों के ऊपर लगा दिया जाता है। अब कहते हैं ना कुछ दिनों के लिए उस दीवार को छोड़ दो, ऐसा क्यों? वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी शुरू करती है और बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की एक वाइट लेयर आप लोगों की बन जाती है। देखो लिखा भी है यहाँ मैंने, किस में यूज़ होता है ये? वाइट वॉशिंग में, ताकि आपको एक शाइनी फिनिश मिल सके, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ पे ध्यान दो, ये एस एल ए क्यू ये सब क्या चीज़ें लिखी हुई है यार, इनके बारे में भी तो कुछ बताओ। देखो ये जो एस है, एस दिखाता है सॉलिड को, किसको? मतलब स्टार्टिंग में सी ए ओ का सी ए ओ कैल्शियम ऑक्साइड कौन सी स्टेट में था? सॉलिड स्टेट में, मतलब आपने सॉलिड स्टेट में चूना लिया है। एल फॉर लिक्विड, अब भैया पानी लिक्विड स्टेट ही होती है। अच्छा एक्वस वर्ड का क्या मतलब है? एक्वस वर्ड का मतलब है कि कोई भी चीज़ पानी के अंदर मिक्स्ड है। जैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, तो मतलब शुगर को पानी के अंदर आपने मिक्स कर रखा है। किसके अंदर मिक्स कर रखा है? पानी के अंदर, ठीक है, समझ आ गया। तो एक्वस वर्ड का मतलब समझ आ गया। चलो सी ए ओ एच टू, यहाँ पे भी देखो एक्वस है, सी ओ टू के साथ जी लिखा हुआ है, जी इज फॉर गैस, ऑब्वियसली एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड एंड जी फॉर गैस, आसान था, समझ आ गया। तो भैया ये वाला एग्जाम्पल तो पेपर के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन जरा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा। द बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। अब भैया कोयला कार्बन ही तो होता है ना, कोयला इज कार्बन, याद रखना इस बात, कभी भी कोयला कोई बोले दिस इज कार्बन, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला, कार्बन आपने सॉलिड लिया था, कोयला सॉलिड लिया था, जब आपने उसे जलाया तो वो ऑक्सीजन की वजह से जला, पता है ना, जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी आग नहीं लगेगी, ठीक है। और जैसे ही ये जले इन्होंने क्या बना लिया, कौन सी गैस रिलीज की? सी ओ टू गैस। यहाँ पे भी देखो वही हुआ, दो छोटे छोटे कंपोनेंट ए और बी आपस में मिलके क्या बना दिया? ए बी, समझ आ गया क्यों ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आसान थी। अगले पे बढ़ें, इसका अपोजिट अब कौन है? डी कम्पोजिशन रिएक्शन। चलो तो ये हो गया, तो अब डी कम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। हाँ तो चलो भैया अब शुरू कौन सा करें? डी कम्पोजिशन रिएक्शन। अब मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं है, अगर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है तो वहाँ पे क्या था, दो छोटी चीज़ें मिलके एक बड़ा कंपाउंड बना रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, एक बड़ा कंपाउंड दो छोटे कंपोनेंट में टूट जाएगा, अ लार्जर कंपाउंड स्प्लिट इनटू स्मॉल सब्सटेंसेस, दो छोटी चीज़ों में टूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही एक एग्जांपल हमने ले लिया। अब यही एग्जांपल आप लोगों के पेपर में भी पूछा जा सकता है कि बताओ फेरस सल्फेट जब टूटेगा तो क्या क्या बनाएगा, ठीक है। तो भैया हमने फेरस सल्फेट लिया, इसका कलर होता है ग्रीन, याद रखना इम्पॉर्टेंट है, तभी लिखा है मैंने, फालतू चीज़ें तो लिखी ही नहीं मैंने, इसलिए ध्यान से देखना सारी। अब इन फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को मैंने हीट करना शुरू किया, क्या करना शुरू किया? गर्म करना, जिससे मुझे फेरिक ऑक्साइड मिला जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, और दो गैसेज रिलीज हुई SO2 और SO3। बड़ी पंजेंट स्मेल होती है इनकी, कैसी स्मेल होती है? पंजेंट, मतलब गंदी सी, लैब के अंदर अगर इनकी स्मेल आ जाए तो आपको लैब छोड़ के भागना पड़ेगा, ये याद रखना। भैया इसके अंदर भी तीन टाइप होते हैं, कॉम्बिनेशन में कोई टाइप नहीं था, लेकिन इसके अंदर तीन टाइप होते हैं टोटल। थर्मल डिकम्पोजिशन,
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, मतलब तोड़ना तो है, अब तोड़ने के लिए लगेगी एनर्जी। अब वो एनर्जी तुम कैसे देते हो ये तुम डिसाइड करो। तुम हीट करके एनर्जी देते हो, मतलब गर्म करके एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो या फिर लाइट एनर्जी देते हो। एनर्जी तो देनी है, उसके ये तीन तरीके हैं, तुम चुन लो तुम्हें कौन सा करना है। अब हम एक एक करके तीनों चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग मेथड्स में अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं। हाँ भैया, तो पहला शुरू करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन में नाम से ही पता चल रहा है, थर्मल इज़ फॉर हीट। थर्मल वर्क किस लिए होता है? हीट के लिए यूज होता है। तो अगर आपकी कोई भी रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो रही हो, ठीक है, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, अभी अभी हमने पढ़ा था ना, जब आप इसे हीट करते हो, ठीक है, दोबारा से जब आप इसे हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? क्विक लाइम वापस मिल जाएगा। और कौन सी गैस रिलीज करेगा? CO2 गैस। कौन सी गैस? CO2 गैस। समझ आया? ऐसे ही अब ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें से भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं पेपर में, कि लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड फॉर PB NO3 नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तब आपको क्या मिलेगा? लेड ऑक्साइड मिलेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पूछा जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे फ्यूम्स देता है? ब्राउन फ्यूम्स। मतलब आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आप लेड नाइट्रेट डालते हो, ठीक है, और फिर उसे हीट करना शुरू करते हो, तो उसमें से जो फ्यूम्स निकलेंगे वो किस कलर के होंगे? ब्राउन कलर के होंगे। किस चीज़ के? NO2 के होंगे। किसके होंगे? NO2 के, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड के फ्यूम्स होंगे। समझ आ गया? चलो, अगर इतना समझ आया तो अगले वाले पे चलें। अगला है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब मैं डिकम्पोजिशन तो कर रहा हूँ लेकिन किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। अब मैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ूंगा। चलो, तो इसका एग्जाम्पल है H2O, ठीक है। जब आप H2O में से करंट पास करते हो, हाई अमाउंट ऑफ करंट, बड़ी क्लासेस में जाके आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट को बहुत डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी जो जो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं ना, मैं सिर्फ वो बताता हूँ। देखो, H2O से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ना, तो वो दो गैसेस में टूटता है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब पेपर में क्या आ सकता है? पूछा जाएगा, भैया बताओ कैथोड पे कौन सी गैस और एनोड पे कौन सी गैस। ये कैथोड और एनोड क्या है? ये मान लो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, पता है ना, बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, प्लस माइनस, तो ये वही है, ठीक है। ठीक है, तो कैथोड पे कौन सी गैस? H2 गैस। और एनोड पे कौन सी गैस? O2 गैस, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पक्का याद रखोगे ये चीज़? पेपर के अंदर आ सकती है, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट। ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन फिर से बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। देखो, डेफिनेशन नहीं आने वाली पेपर में डायरेक्टली, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे, तो इन्हीं को याद रखना, ठीक है। चलो, दो मेथड हो गए, तीसरे पे बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द थर्ड मेथड। अब थर्ड मेथड में भी डिकम्पोजिशन ही होगा, लेकिन किसकी मदद से? लाइट की मदद से, ठीक है। इसका बड़ा प्यारा डायग्राम तुम्हारी बुक के अंदर दिखा रखा है, अब बुक ना हो तो अभी यहीं पढ़ लो, ठीक है। देखो, करा क्या गया था इसमें, ऐसे दिखाया गया था कि आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, एक छोटी सी चाइना डिश ले लो या कटोरी टाइप, उसके अंदर आपने AgCl के पाउडर फॉर्म रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है, ओके, जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है, तो ये इसमें से क्लोरीन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है और आपको सिल्वर मिल जाता है। Ag इज फॉर सिल्वर, ठीक है, क्या मिल जाता है? सिल्वर मिल जाता है, प्योर सिल्वर, ओके। सिल्वर क्लोराइड पे सनलाइट डालो, आपको Ag मिल जाएगा, Ag मतलब सिल्वर, ओके। जरा अब इस रिएक्शन को पढ़ना जरा। वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, क्यों? क्योंकि उसमें से क्लोरीन तो अलग हो गया, और ये किसका कलर है? सिल्वर का कलर है। समझ आ गया? अब भैया सिंपल, यहाँ पे देखो सेम चीज़ यहाँ पे है, यहाँ बस क्लोराइड है, यहाँ ब्रोमाइड है, ब्रोमीन, BrS फॉर ब्रोमीन ना, तो ये क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। समझ आ गया? अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, तीन चीज़ें पूछी जा सकती हैं, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, उसके एग्जाम्पल, और उनका यूज़ क्या है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। पहले के ज़माने में जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती थी ना, उसमें इसका बहुत यूज़ हुआ करता था, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ लेना, भूलना मत इस चीज को, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।
हाँ भैया, चलो आगे बढ़ जाएं। कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन पढ़ लिया, अब कौन सा पढ़ना है? अब पढ़ना है हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट किसी मोर रिएक्टिव एलिमेंट से रिप्लेस हो जाता है। मतलब ये समझ लो कि तुम्हारे पास कोई पेन है, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई को तुम्हारा पेन पसंद आ गया, तो वो क्या करेगा, तुम्हारे पास आएगा, तुमसे तुम्हारा पेन छीन लेगा। ठीक है, तो मान लो ये जो यहाँ पे ये बी है ना, ये वही पेन है और ये सी तुम हो। ठीक है, तुम कौन हो? सी। ठीक है, अब ये तुम्हारा बड़ा भाई है ए, इसे तुम्हारा पेन अच्छा लग गया, इसने वो छीन लिया, और तुम कैसे, तुम बैठे रह गए अलग से। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इतनी ताकत ही नहीं थी कि तुम अपने भाई से लड़ पाते। बिल्कुल सेम चीज़ एलिमेंट्स के साथ भी होती है। एलिमेंट में भी ना एक टेबल बना दी गई है छोटे भाई और बड़े भाई की। देखो यहाँ पे पूरी टेबल दिख रही है। ओके, अब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, हाइड्रोजन, पीबी, लेड को कहते हैं, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। ऊपर जाते जाते बड़े भाई की तरफ जा रहे हो आप। मतलब कोई भी ऊपर वाला नीचे वाले एलिमेंट को आपस में रिप्लेस कर सकता है। एग्जाम्पल देखो, कॉपर सल्फेट, ठीक है, वहां पे आ गया आयरन। अब भैया जब ये कॉपर सल्फेट था ना सॉल्यूशन के अंदर, मान लो ये मेरी टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर है कॉपर सल्फेट, तो अभी इसके अंदर जो कलर होगा वो कैसा होगा? वो होगा ब्लू कलर। लेकिन मैंने इसके अंदर डाल दिया Fe, आयरन डाल दिया, Fe इज फॉर आयरन। आयरन जैसे ही मैंने डाला तो भैया आयरन तो बड़ा भाई है, मतलब मोर रिएक्टिव है। ठीक है, कैसा है? मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव होने की वजह से उसने कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह खुद ले ली, तो अब ये क्या बन गया? आयरन सल्फेट। इसलिए तो इसे डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है ना, नाम ही इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसलिए उसने हटा दिया कॉपर को, उसकी जगह खुद लग गया, बन गया आयरन सल्फेट। और अब टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कलर होगा वो कैसा होगा? वो होगा ग्रीन कलर। कैसा होगा? ग्रीन कलर। पेपर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है और जिंक आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन होता है। इसके अलावा एक जिंक सल्फेट का भी समटाइम्स पूछ लिया जाता है, ये वाइट होता है। ठीक है, कैसा होता है? वाइट। ओके, एल्यूमिनियम का कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। याद रखना, एल्यूमिनियम सल्फेट और जिंक सल्फेट समटाइम्स पूछ लिए जाते हैं। चलो एक और क्वेश्चन ले। सही, नीचे देखो एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है। अब भैया इस एग्जाम्पल में देखो, कॉपर क्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर से उससे बड़ा भाई आ गया। इस बार कौन है? लेड है। तो लेड आया, उसने कॉपर को हटाया और उसकी जगह इस क्लोरीन से जाके जुड़ गया। अब क्या बन गया? लेड क्लोराइड, और कॉपर आपका अलग हो गया, है ना। द कॉपर इज डिस्प्लेस बाय द लेड। कॉपर की जगह किसने ले ली? लेड ने ले ली। भैया लेड एक एलिमेंट होता है, याद रखना, इसका साइन है पीबी। ओके, समझ आ गया? नया एलिमेंट है इसलिए इतना मैंने बता दिया इसके बारे में। समझ आ गया डिस्प्लेसमेंट? इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ये रिएक्टिविटी सीरीज अभी याद करना चाहते हो, अभी याद कर लो, वरना चैप्टर 3 के अंदर याद हो जाएगी। फिनोमिना याद हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डेफिनेशन वैसे कोई पूछने नहीं वाला। ठीक है, याद हो गया तो अच्छी बात, बस ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे मत भूलना। पेपर के अंदर यहीं से आएगा, यही रिएक्शन आएगी आप लोगों के पेपर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाऊं। अगला कौन सा करेंगे? अगला करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे भी भाई से ही समझाऊं। मान लो यहां पे एक भाई ए है, दूसरा भाई बी है, सी है, ए और सी। ए के पास बी पेन था और सी के पास डी था, लेकिन हुआ क्या, बड़े भाई को छोटे भाई का पेन अच्छा लगा और छोटे भाई को बड़े भाई के पास वाला पेन अच्छा लगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपस में अपने पेन चेंज कर लिया, कहा कि तुम मेरा पेन ले ले और मैं तेरा पेन ले लेता हूँ। तो बिल्कुल वही हुआ देखो। ठीक है, आपस में जगह बदल गई यहाँ पे। यहाँ पे देखो जगह बदल गई, पहले ए बी सी डी साथ थे, वहाँ पे ए सी से जुड़ गया और बी डी से जुड़ गया। समझ आ गया? तो ये ऐसी कोई रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एक्सचेंज दियर आयंस, जिसमें वो अपने आयंस को ही चेंज कर ले, उसे हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
लेकिन चेंज दोनों तरफ से हो रहा है। पहले वाले की तरह नहीं है कि बस छीन के ले जाओ। एक बंदा कुछ देगा, दूसरा बंदा कुछ और ले जाएगा। जैसे नीचे एग्जाम्पल में देखो, Na2SO4 सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड से, तो अब होगा क्या? यहाँ का सोडियम वहाँ के क्लोरीन से जुड़ गया और यहाँ का बेरियम यहाँ के सल्फेट से जुड़ गया। किससे जुड़ गया? सल्फेट से। क्या बना? बेरियम सल्फेट और साथ में बना सोडियम क्लोराइड। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ही इन्होंने रिएक्ट किया ना, बेरियम सल्फेट बना, तो ये बेरियम सल्फेट, मान लो मैं एक बीकर लेता हूँ, ठीक है, इस बीकर के अंदर नीचे जाके पाउडर फॉर्म में बेरियम सल्फेट जम गया। और ये जो पाउडर है ना, इसी को पीपीटी बोला जाता है या प्रेसिपिटेट बोला जाता है। प्रेसिपिटेट वो चीज़ होती है जो पानी के अंदर मिक्स ना हो, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना कौन से कलर का? वाइट कलर का। इम्पॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और ऐसी कोई भी रिएक्शन, जैसे ये देख रहे हो ना, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, उसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एनी रिएक्शन डेट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यही एग्जाम्पल डाल देना इसमें, ठीक है। चलो भैया, डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल देख लिया, यही डबल डिस्प्लेसमेंट में भी चला गया और यही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी चला गया। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक पार्ट था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, वर्ड देख रहे हो, न्यूट्रलाइज करना मतलब खत्म कर देना। तो भैया इसके अंदर बिल्कुल ऐसा ही होता है, एक एसिड दूसरा बेस, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे HCl एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH बेस आपस में रिएक्ट किए। अब देखो कैसे डबल डिस्प्लेस हो रहा है, Na के पास Cl जा रहा है और HOH के पास जा रहा है, बना क्या? NaCl। और जब HOH के पास गया तो दो H और एक O मिलके क्या बन गए? H2O। समझ आ गया? तो एसिड और बेस ने मिलकर एक सॉल्ट बनाया और साथ में क्या रिलीज हुआ? वाटर। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इनकी डेफिनेशन समटाइम्स पूछ ली जाती है प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, ठीक है, इसलिए इनके एग्जांपल और ये डेफिनेशन याद कर लेना। चलो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन एक बार पढ़ देता हूँ। रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म अ सॉल्ट। एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और क्या बना देते हैं? एक सॉल्ट बना देते हैं। समझ आ गया सब लोगों को? चलो, चार चीज़ें कंप्लीट हुई, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब क्या पढ़ने वाले हैं? अब पढ़ेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलो भैया आगे बढ़े, आगे बढ़े तो हमें मिली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब भैया एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? देखो भाई, ये दो वर्ड से मिली है, एक्सो जो बना है एग्जिट से, किससे बना? एग्जिट। और थर्मिक, थर्मिक मतलब थर्मल, और थर्मल किसको रिप्रेजेंट करता है? हीट को, मतलब गर्मी को। तो मतलब वो रिएक्शंस जिसके अंदर हीट एग्जिट करे, मतलब हीट बाहर निकल जाए। द रिएक्शन इन विच द हीट इवॉल्व्स, जिसमें से हीट बाहर निकले, उन्हें बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ आया? चलो करके देखें। भैया याद है कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी कुछ देर पहले? तो कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब आपने H2O मिलाया था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बना था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना। अब जब ये बनता है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, मतलब कुछ देर के लिए आप उसे छुओगे ना, बड़ा गर्म सा फील होगा। किस वजह से? क्योंकि उसमें से क्या रिलीज हुई? हीट रिलीज हुई। अब ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, बट थोड़ा बहुत फील कर सकते हो आप उसकी गर्मी को। समझ आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हमारी बॉडी के अंदर ही जो होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब भैया हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलता है, तभी वो टूटता है, और जब वो टूटता है तो उसके साथ हीट रिलीज होती है ना, एनर्जी रिलीज होती है ना, यही एनर्जी तो हमारी बॉडी यूज़ करती है। समझ आ गया? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल कौन कौन से थे? जिसके अंदर हीट रिलीज होती हो, ठीक है। ये भी समटाइम्स विद द डेफिनेशन विद द एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ऐसे ही याद करना है। अब इसी का अपोजिट देख लो, अब आता है एंडोथर्मिक। एंडो मतलब अंदर आना, ठीक है, मतलब कोई एब्जॉर्ब करे, कि भैया मैं तो तब तक नहीं होऊंगा जब तक तुम मुझे हीट नहीं दोगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद था, हमें उन्हें हीट एनर्जी देनी पड़ती थी ना,
हीट की फॉर्म में दे रहे थे, ठीक है? तो बिल्कुल वही चीज है यहां पे, द रिएक्शन इन विच द हीट इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब जब तक हीट नहीं दोगे काम नहीं होने वाला, ठीक है? अब रिएक्शन तो इसकी तीन तीन हमने पहले ही देख ली है, वही बिल्कुल यहां पे डिट्टो है, द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अंदर देखो मुझे हीट देनी पड़ी है ना, तो ये किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक का। याद रहेगा भैया, ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन का वो एंडोथर्मिक का ना हो, ठीक है? वो अलग अलग कैटेगरी में आ सकते हैं, तो इसको याद कर लेना, सही से पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है? ये भी याद कर लेना। और डिकम्पोजिशन में दो और एग्जाम्पल भी दिए हैं, जहां जहां मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ वहां वहां किसका एग्जाम्पल होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। याद रहेगा, समझ आ गया एंडोथर्मिक क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिनमें आपको हीट देनी पड़े, ठीक है? अगर आप हीट नहीं दोगे तो वो रिएक्शन नहीं होने वाली। ओके, क्लियर हो गया? एक्सोथर्मिक जिससे हीट बाहर निकले, एंडोथर्मिक जिसमें आपको हीट अंदर देनी पड़े, ठीक है? वर्ड नाम से ही पता चल रहा है, पक्का आप क्लियर हुआ, आगे बढ़ जाऊं? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। हाँ भाई, तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का जुड़ जाना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, अगर किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वही रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, या फिर किसी के साथ हाइड्रोजन रिमूव हो जा रहा है तभी भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। देखो नीचे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। अभी कॉपर है, इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ, कॉपर और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के कॉपर ऑक्साइड बन गया ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना कॉपर के अंदर, इसीलिए इसे क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है? अच्छा, जस्ट इसका अपोजिट रिडक्शन। एक चीज याद रखना, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका अपोजिट होगा, ठीक है? यहां पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? रिडक्शन का क्या मतलब है, यहां पे हाइड्रोजन को ऐड करना है और ऑक्सीजन को रिमूव करना है, जस्ट इसका अपोजिट। याद कर लोगे ना बेटा, पहले ऐसे याद करना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब हाइड्रोजन का रिमूव होना, तो फिर रिडक्शन क्या होगा, जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा लिख दो दोनों चीजें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब जैसे आप यहां पे देखो, इसको मैंने सही से दिखा रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड वो सॉरी कॉपर ऑक्साइड है, उसमें हाइड्रोजन ऐड किया गया। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे ही प्रोडक्ट बना, कॉपर ने अपना ऑक्सीजन खो दिया यार, यहां पे कॉपर ऑक्साइड था, यहां सिर्फ कॉपर बचा, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया ना, क्या हो गया, रिडक्शन। अच्छा इधर भी देखो, ये भी बड़ा मजेदार है, यहां हाइड्रोजन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था लेकिन उसे एक ऑक्सीजन मिल गया, है ना? तो ये क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब बोलोगे ये क्या भैया, रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। हाँ यार बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, एक बंदा रिड्यूस हो रहा है, दूसरा बंदा ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो लिखा है ना मैंने, कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और कोई भी रिएक्शन जब उसमें दोनों चीजें हो तो उसे बोल दिया जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, रेड इज फॉर रिडक्शन एंड ओ एक्स फॉर ऑक्सीडेशन। समझ आ गया, और एग्जाम्पल्स देखें इसके। चलो चलो एक और एग्जाम्पल लो, जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड मिलके क्या बना, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। तो भैया देखो यहां पे क्या, कॉपर के पास ऑक्सीजन था ना, लेकिन क्या प्रोडक्ट में उसके पास ऑक्सीजन है, नहीं है, छिन गई उससे ऑक्सीजन, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। जबकि जिंक पहले ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन बाद में ऑक्सीजन ऐड हो गई, और ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो टोटल क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन, क्या हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ आ गया बच्चों? चलो तो यही मैंने इसकी डेफिनेशन दी है कि जब दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो किसी जगह पे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल, अब तो खुद ही समझ लो भैया, देखो आयरन कुछ नहीं है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन मिल गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया,
यहाँ पे देखो वाटर में ऑक्सीजन है, लेकिन इस बेचारे से इसका ऑक्सीजन छिन गया, तो यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, है ना। देखो पूरा मैंने बता रखा है अब सही से, यहाँ पे एक एक चीज़ को मैंने बताया, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2O रिड्यूस हो रहा है, इज रिड्यूसिंग, क्यों, क्योंकि उससे उसका ऑक्सीजन छिन गया, ठीक है। तो H2O क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा ये कुछ नया है, इसको ज़रा ध्यान से देखना आप, वट इज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग, अच्छा LIC एजेंट कौन होता है, जो LIC कराता है ना, ऐसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा जो ऑक्सीजन दे। अब भैया जब तक ये ऑक्सीजन देगा नहीं ये एजेंट आके, तब तक दूसरा बंदा ऑक्सीजन लेगा कैसे। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, H2O है, यही तो ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है ना। अगले 5 मिनट की वीडियो जरा रिवाइंड करके दोबारा से देख लो एक बार एक एक चीज, ठीक है। ध्यान से देखो, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, यहाँ पे H2O ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है किसे, आयरन को, ठीक है, टू ऑक्सीडाइज, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करें या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करें, समझ आया। तो यहाँ आयरन क्या है, यहाँ आयरन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उसने इस बेचारे का वाटर का ऑक्सीजन छीन लिया, समझ आ गया। चलो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन क्लियर हुआ, अगर इतना क्लियर हुआ तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कोरिजन और रेंसिडिटी की तरफ। तो चलो बच्चों आगे बढ़ें, भैया आगे बढ़े तो हमें एक टॉपिक मिला कोरिजन, ठीक है। अब जरा इस कोरिजन वर्ड को समझो, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी मेटल के ऊपर, मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई मेटल है, इसके चारों तरफ अनडिजायरेबल कंपाउंड्स आके जुड़ते जाएं, ठीक है। अब वो अनडिजायरेबल कंपाउंड्स कौन से हो सकते हैं, हो सकता है वो आसपास की एयर से रिएक्ट करना शुरू कर दे, या आसपास जो पानी में मौजूद है मॉइस्चर जिसे हम कहते हैं उससे रिएक्ट करना शुरू कर दे, ठीक है। जैसे लोहे में जंग लगता है ना, वो इसी का एग्जाम्पल है, चांदी काला पड़ता है वो भी इसी का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल, कोरिजन का। अब इससे भाई वो मेटल ही तो खराब हो रहा है ना, अच्छी बात होती है क्या लोहे पे जंग लगना, नहीं, बिल्कुल उसी चीज़ का एग्जाम्पल है ये। डेफिनेशन देखो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ अ मेटल इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ऑन रिएक्शन विथ वाटर ऑक्सीजन और एनी एसिड्स, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको गलत तरीके से इफेक्ट पहुंचाए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोरिजन। जैसे पहला देखते हैं, पहला एग्जाम्पल हमने आयरन का ही ले लिया कि भैया जब आयरन ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, मतलब पानी के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ, तो वो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जो उसके ऊपर जंग होता है ना, जंग लाल कलर का रेड कलर का, वो आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है, ठीक है। और स्पेशली इसी को नाम मिला है रस्टिंग, क्या नाम मिला है, रस्टिंग, मतलब कभी हम क्या ऐसा कहते हैं कि चांदी के ऊपर जंग लग गया, नहीं बोलते ना, किसके लिए यूज होता है ये वर्ड, आयरन के लिए यूज होता है, इट मीन्स द कोरिजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। व्हाट इज रस्टिंग, द कोरिजन ऑफ आयरन, स्पेशली इसके कोरिजन को ये नाम मिला हुआ है, ओके। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऐसी सिल्वर देखो, सिल्वर पे कौन सी कलर की कोटिंग होती है, ब्लैक कलर की, आयरन पे रेड कलर की थी, सिल्वर पे ब्लैक कलर की होती है, ये कोटिंग किस चीज़ की होती है, सिल्वर सल्फाइड की, ठीक है, जो इसे खराब करती है। ऐसी कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की होती है, ये किसकी होती है, कॉपर कार्बोनेट की, समझ आ गया। तो यार ये तो अच्छी चीज़ नहीं है ना, इसे तो रोकना पड़ेगा, तो इसे रोकने के क्या तरीके होते हैं, चलो उनको देखते हैं। हाँ भैया, तो हमने कुछ मेथड्स निकाले, हमने सोचा अगर हम किसी भी मेटल को पेंट कर देंगे तो उसके ऊपर रस्टिंग नहीं होगी, और ये बिल्कुल सही तरीका है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर जो मशीनें होती है ना, उन्हें आते ही पेंट कर दिया जाता है ताकि उनकी रस्टिंग ना हो, उन्हें समय समय पर ऑयलिंग की जाती है, ग्रीसिंग की जाती है उनकी, ठीक है, ताकि वो ख़राब ना हो जल्दी मशीनें। और समटाइम्स कुछ मशीनों के ऊपर, ठीक है, या कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जैसे आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है, इससे क्या होता है, सारा का सारा जो भी होगा वो जिंक के साथ होगा, अंदर का आयरन जो है वो सेफ है, बिल्कुल सेफ है। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है गैल्वेनाइजेशन, क्या नाम दिया जाता है, गैल्वेनाइजेशन, याद रहेगा ना बच्चों। चलो तो भैया कोरिजन जान के क्या होता है, अलग अलग मेटल्स के लिए कैसे होता है ये भी पता चल गया, उसको रोकने के मेथड भी पता चल गए। अब जानते हैं रेंसिडिटी, रेंसिडिटी मेटल से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है फूड आइटम से, किससे, फूड आइटम से, जो हमारा खाना सड़ता है ना उस चीज़ से। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स,
ठीक है, मतलब जो हमारे फूड के अंदर जो फैट और ऑयल मौजूद होता है, तेल वगैरह जो मौजूद होते हैं, ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन के बाद वो बड़ी गंदी सी स्मेल देने लगते हैं ना, जब हम कहते हैं कि भैया खाना सड़ गया, तो उसी से फाउल स्मेल आने लगती है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है रैंसिडिटी। क्या कहा जाता है? रैंसिडिटी। ठीक है, समटाइम्स एक तो चिप्स के पैकेट में चिप्स जो है बड़े अजीब से लगने लगते हैं, ठीक है, खाने का तो बता ही दिया मैंने। इसे कैसे रोका जाए, मतलब उस फैट और ऑयल के ऑक्सीडेशन को कैसे रोका जाए? भैया इसके तरीके हैं, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दो जो उसका ऑक्सीडेशन होने ही ना दे। जो हमारा नमक है ना, नमक जो हम खाने के अंदर डालते हैं, वो बड़ा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसके अलावा सील्ड पैकेजिंग देखते हो, चिप्स वगैरह कितने अच्छे से पैक्ड होते हैं, उनके अंदर कौन सी गैस फिल होती है? उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल होती है। नाइट्रोजन गैस की वजह से भी आपका ऑक्सीडेशन रुक जाता है। और लास्ट मेथड, सबके घर में फ्रिज तो होगा ही, खाने को सड़ने सड़ने से बचाने के लिए कहाँ रखते हैं? फ्रिज के अंदर रख देते हैं, रेफ्रिजरेशन कर देते हैं उस चीज़ का। तो भैया यहाँ पे चैप्टर तो ख़त्म हुआ है ना? नहीं, अभी नहीं। अभी तक हमने जितनी भी केमिकल रिएक्शन देखी थी ना, अब हम उन्हें बैलेंस करना सीखेंगे, जानेंगे कि इक्वेशन की बैलेंसिंग की क्या ज़रूरत होती है। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो बच्चों देखो, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, यहाँ देखो एक इक्वेशन लिखी हुई है ना, आयरन प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। अब मेरा क्वेश्चन है, यहाँ तो मैंने एक ही आयरन डाला था, यहाँ ये तीन तीन आयरन कहाँ से आ गए? यहाँ तो दो ही H हैं, यहाँ पे भी चलो दो ही हैं, यहाँ एक ही O है, यहाँ पे RO कहाँ से आ गए? ये तो गलत बात है, ऐसा थोड़ी हो सकता है मैं 1 किलो चीज़ डालूँ और बनने के बाद वो मुझे 5 किलो मिल जाए। नहीं पॉसिबल ना? क्यों नहीं पॉसिबल? ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है कि मेरा जितना रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट भी मेरा उतना ही होगा। रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो इसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी था। तो अब देखो, अब मैंने इसको बैलेंस किया तो मेरे पास आया 3Fe+4H2O प्लस Fe3O4+4H2। अब आप देख सकते हो सारी चीज़ें बराबर बराबर है बिल्कुल। मतलब आयरन के 3 मोल लूँगा, H2O के 4 मोल लूँगा, ठीक है, तो मेरे को Fe3O4 का 1 मोल मिलेगा और H2 के 4 मोल मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन आता है, भैया आपने कैसे अपनी मर्जी से ये नंबर लगा दिया, ज़रा इधर बताओ। तो यार आप लोग ना इसके लिए पढ़ोगे हिट एंड ट्रायल मेथड, बुक वगैरह के अंदर हर एक जगह हिट एंड ट्रायल मेथड है, और कुछ समय के बाद ना बच्चों को दिक्कत भी नहीं होती जब वो करने लगते हैं तो। लेकिन एक सिस्टमैटिक मेथड भी होता है इसका, मैं तो आप लोगों को सिस्टमैटिक मेथड से ही कराऊंगा, ठीक है। देखो बिल्कुल हमेशा याद रखना, किसी भी इक्वेशन के अंदर जो अनबैलेंस हो, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करने पे ध्यान देना, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, और फिर हाइड्रोजन को। अब ये मत बोलना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल होते हैं, मुझे पता है, इनके अलावा बचे हुए नॉन मेटल की बात हो रही है, ठीक है ना। करना शुरू करें, चलो मैं इक्वेशन बैलेंस करके दिखाता हूँ। हाँ भैया, तो स्टेप 1, पीछे इक्वेशन थी ना, पीछे इक्वेशन कुछ ऐसी थी Fe+H2O, उसके बाद Fe3O4 प्लस H2, ये पीछे इक्वेशन थी, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, लास्ट वाले पेज पे लिख लो। तो स्टेप 1 क्या है? मेटल को बैलेंस करना। बैलेंस द मेटल मतलब आयरन एटम। प्रोडक्ट वाली साइड में कितने आयरन एटम है? 3। तो रिएक्टेंट वाली साइड भी आगे किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नीचे मत लिखने लगना, नीचे नहीं लिखते, हमेशा आगे लिखते हैं, आपको आगे नंबर लगाने की आज़ादी है। तो मैंने आगे नंबर लगा दिया 3। चलो इधर भी 3 आयरन हो गए, इधर भी हो गए, स्टेप 1 कंप्लीट। अब क्या करना है? बैलेंस द नॉन मेटल। अब मैंने देखा यार आयरन के अलावा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही तो है, कोई एक्स्ट्रा नॉन मेटल है ही नहीं। तो स्टेप 2 में कोई भी एक्स्ट्रा नॉन मेटल नहीं है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। स्टेप 3, अब किसे बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। चलो आयरन तो बैलेंस हो चुका है, अब ऑक्सीजन को दो। इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन। इस तरफ कितने ऑक्सीजन थे? एक ही ऑक्सीजन था पहले, है ना, एक ही ऑक्सीजन था ना, तो मैंने इसके आगे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई होते ही अब देखो आयरन भी बैलेंस हो गए हैं, और इधर भी 4O है, इधर भी 4O है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। चलो भैया दो चीज़ें बैलेंस हो गई, लास्ट काम है हाइड्रोजन को बैलेंस करना। चलो हाइड्रोजन देखते हैं, आयरन बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, अब हाइड्रोजन की बारी।
इधर कितने हाइड्रोजन, 4 2 जा 8, H2 है ना, ठीक है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 8 आ गया, टोटल 8 हाइड्रोजन है, जबकि अपोजिट साइड सिर्फ कितने थे, 2 थे, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, 4 से, ठीक है, कर दिया मैंने 4 से मल्टीप्लाई। अब जो आंसर आया वो देखो, सारी चीज़ें बैलेंस है ना, 3 Fe इधर, 3 Fe उधर, इधर भी 4 O, इधर भी 4 O, इधर 8 H, इधर भी 8 H, टोटल सब बैलेंस हो गया, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, यही आपका आंसर है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है, बैलेंस इक्वेशन मिल गई आपको, समझ आया। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलो एक और करते हैं, इस बार मेरी अनबैलेंस इक्वेशन कुछ इस तरह है, Mg3N2 प्लस H2O प्लस Mg, इससे जो मिलके बनता है वो है MgOH2 प्लस NH3। मतलब अब हमें किस किस को बैलेंस करना है, शुरू करें, सबसे पहले Mg को देखो, मैग्नीशियम, स्टेप वन क्या होता है, बैलेंस द मेटल ना, मेटल क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ओके, तो पहले रिएक्टेंट में देखो कितने मैग्नीशियम है, 3, प्रोडक्ट साइड में कितना है, केवल 1, तो इधर कम है ना, हमने क्या कर दिया, इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इधर भी 3 मैग्नीशियम, उधर भी 3 मैग्नीशियम, बराबर बराबर हो गए ना, स्टेप वन कंप्लीट। अब आती है नॉन मेटल की बात, तो भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एक और नॉन मेटल है यहाँ, नाइट्रोजन, तो अब हमें किसे बैलेंस करने पे ध्यान देना है, नाइट्रोजन को, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन थे, 2 थे, दूसरी तरफ कितना है, 1, ठीक है, इस तरफ तो 1 ही है यार, ये तो गलत बात है, जरा उस तरफ भी 2 लगा दो, लगा दिया मैंने 2, ठीक है, पहली वाली जैसी इक्वेशन थी वो तो किया ही था, 3 तो है ही अपनी जगह पे, अब नाइट्रोजन को बैलेंस करना था तो मैंने उसके लिए 2 लगा दिया, ठीक है भैया। अब देखो मैग्नीशियम 3, इधर भी 3, नाइट्रोजन 2, इधर भी 2, दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई, मेटल नॉन मेटल, अगली बारी ऑक्सीजन की, ठीक है, हाँ भाई, अब आई ऑक्सीजन की बारी, इधर कितने ऑक्सीजन है टोटल देखो जरा, शुरुआत में यहाँ पे 1 ऑक्सीजन था बस, जबकि दूसरी साइड O2 है और 2 3 जा 6, टोटल देख लो, 3 × 2, ये 2 जो है ये दोनों के साथ जाएगा, ठीक है, तो टोटल 6 ऑक्सीजन है, जबकि दूसरी साइड तो 1 ही है, समझ आए ना, देखो ऐसे देखा जाता है, 2 ऑक्सीजन है और आगे वाले नंबर से फिर मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए 6 हो गए टोटल, ठीक है, यहाँ तो 1 ही ऑक्सीजन है, इसलिए हमने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से, अब इधर भी 6 उधर भी 6, अब ध्यान दो, मैग्नीशियम 3 हो चुके हैं, नाइट्रोजन 2 2 हो चुके हैं, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 6 हो चुके हैं, लास्ट चीज़ थी हाइड्रोजन, अब मैंने देखा यार हाइड्रोजन तो अपने आप ही बैलेंस हो गया, कैसे, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, दूसरी साइड देखो H 2 है और 2 3 जा 6, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ से मिले और 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन यहाँ से मिले, तो 12 12 हाइड्रोजन हो गए ना, मतलब हाइड्रोजन तो अपने आप ही बैलेंस हो गए, मुझे करना ही नहीं पड़ा, और फाइनल आंसर मेरे पास निकल के क्या आया, ये आ गया, ये थी मेरी बैलेंस इक्वेशन, समझ आ गया बच्चों, आप लोगों का पूरा चैप्टर खत्म हो गया, बैलेंसिंग के क्वेश्चन करा दिए, अब जो बीच बीच में इक्वेशन आई है मैंने उन्हें बैलेंस नहीं किया, उनको बैलेंस करने का काम अब आप लोगों का है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं, ओके, सही से बैलेंस करना, ठीक है, चेक करना अच्छे से, इसी मेथड का यूज़ करना, मेटल सबसे पहले, मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, ठीक है, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, याद कर लो इस चीज़ को, हिट एंड ट्रायल से बड़ी जल्दी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कहीं फंस गए तो ये हमेशा काम आएगा, ये कोई हिट एंड ट्रायल नहीं है, बिल्कुल सिस्टमेटिक मेथड है, ठीक है, सो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, हैव अ गुड डे, अच्छे से पढ़ना, नोट्स अच्छे से बनाना, ठीक है, आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं गारंटी करता हूँ इन्हीं में से आने वाले हैं, ठीक है, बाय।